हाय गाइस, आज बात करने वाले हम BS6 मॉडल प्लेटिना की। और जैसे आपके पास प्लेटिना CT 100 जो भी बाइक है, अगर चलते चलते बंद हो जाती है तो क्या किया जाए, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये चाबी ऑन करेंगे। चाबी ऑन करने के बाद देखते हैं मीटर में अगर ये लाइट आ रहा है, तो स्टार्ट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हम उसका पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलेंगे। पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलने के बाद इसमें एयर देखेंगे, कहीं एयर तो नहीं बन रहा, तो इसको लगा देंगे। उसके बाद हम अगर स्टार्ट फिर भी नहीं हो रही है तो लास्ट में इसका इस कवर को खोलेंगे। इस कवर को खोलने के बाद इसकी जो सीट है, सीट को खोलेंगे। यहाँ पर एक वो तार होता खींचने वाला, इसको खींचेंगे, ये बाहर की तरफ सीट निकल जाएगी। सीट निकालने के बाद ये वाला जो CU पार्ट है, इस पार्ट के CU वाले पार्ट में ये BS6 मॉडल दिया है, BS4 में नहीं दिया है। इस पार्ट में ये वाला जो तार को निकालना है, कपलर को, ये इसको दबाएंगे यहाँ पर, इसको बाहर निकालेंगे, खींचेंगे, इसको ताकत से खींचना पड़ेगा। इसको ये खींचने के बाद इसमें फूंक मारेंगे, एक बार फूक मारने के बाद इसको हम वापसी उसी में लगा देंगे। उसके बाद फिर आप देखोगे तो इसकी चाबी जो है लगा के बाइक के अंदर चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे इसको तो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद अगर ये लाइट, अगर यहाँ पर ये जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, अगर स्टार्ट होने पर भी आ रही है तो सर्विस सेंटर में ले जाएंगे उसको, वहाँ पर वॉश टूल से इसको इरेज कर दिया जाएगा। अभी हमारा ये लाइट आ नहीं रहा है, इसके अंदर स्टार्ट कर दिया हमने बाइक पर, लाइट नहीं आ रहा, तो इसमें अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास BS6 मॉडल जो भी है, बजाज प्लेटिना CT 100 पल्सर, कोई सी बाइक अगर रास्ते में चलते चलते बंद हो जाती है गाड़ी, तो उसके लिए आपको सारा सैंपल कुछ नहीं करना है, साइड कवर खोलना है, सीट खोलना है। सीट खोलने के बाद यहाँ पर जो CU इस टाइप का लगा हुआ है, इस टाइप का जो CU है, ये आपको यहाँ प्रेस करना है और ये ताकत से खींचना है इसको। जैसे ही आप ताकत से खींचोगे इसको, ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद इसको हम वापसी लगा देंगे और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके।